नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला अब केजरीवाल एंड कंपनी के गले की फांस बनता जा रहा है। गले की फांस भी इस कदर बन रहा है कि ये पूरा मामला अब केजरीवाल एंड कंपनी को कई कोर्टों के चक्कर लगाकर धक्के खाकर अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होगा इस बात को सोचकर केजरीवाल एंड कंपनी की सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि सभी नेताओं पर अनर्गल आरोप लगाना, सबके बारे में झूठ बोलना, उनके बारे में अनाप शनाप बोलना कुछ समय पहले तक जैसे केजरीवाल के लिए एक सगल बन चुका था। ये पूरी मंडली, ये पूरी चांडाल चौकड़ी किसी भी नेता पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आती। शुरुआत हुई थी कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित सरकार से। शीला दीक्षित पर इसी केजरीवाल ने इतने आरोप लगाए, इतनी फाइलों का जिक्र किया कि उसके पास इतनी फाइलें हैं कि अगर सब पे वो मुख्यमंत्री बने तो शीला दीक्षित की शायद पूरी जिंदगी, पूरा जीवन बचा हुआ जेल के अंदर कटने वाला। लेकिन इस झूठे इंसान से एक चीज समझिए कि झूठ इस कदर भरा हुआ है इन लोगों के अंदर कूट कूट कर कि शीला दीक्षित बहुत लंबे समय तक जीवित रही और बल्कि एक चुनाव भी उनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ लड़ी वो। लेकिन शीला दीक्षित पर यही अरविंद केजरीवाल एक FIR तक दर्ज नहीं करा। देखिए कितनी हैरानी की बात है, जिस मुख्यमंत्री के लिए वो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे कि वो पूरा उनका जीवन जेल के अंदर कटने वाला है, इतने भ्रष्टाचारों का आरोप लगा रहे थे, उनमें से जेल जाना तो दूर, कार्रवाई होना तो दूर, एक भी मामले के अंदर FIR तक दर्ज नहीं करा पाए अरविंद केजरीवाल। यानी कि सिरे से पूरा झूठ बोला, वो भी ऐसी मुख्यमंत्री के लिए झूठ बोला जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, दिल्ली के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है उसके अंदर केजरीवाल एंड कंपनी आज तक वाहवाही लूट रही है। एक ईंट नहीं लगाई इस शख्स ने दिल्ली के अंदर, एक ईंट कहीं पर भी एक ईंट नहीं लगाई, एक स्कूल नहीं खोला, एक कॉलेज नहीं खोला, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी थी, इसका झूठ इतना बड़ा था, एक अस्पताल भी नहीं बोला। इतना बड़ा झूठ इस आदमी ने बोला दिल्ली की जनता से, जिनमें ये कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज भी इसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। यही नहीं, इसके जितने भी सिपहसालार हैं सभी बहुत सफेद झूठ बोलते हैं, जनता के सामने ऐसे जाकर अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं कि जैसे इनके खिलाफ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा। ऐसा ही एक मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला, जिसमें अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये चिल्ला चिल्ला कर मंच से आवाज लगाते थे कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है। आज भी ये कई सदन में बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ है, आज भी कई सदन में आरोप लगाते हैं कि राजा अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा। आप समझिए कि वही अनपढ़ राजा जिसकी कई डिग्रियों को लेकर इन्होंने उन पर आरोप लगाए थे, आज उसी मामले में इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। आप समझिए, दिल्ली की जनता को समझना होगा किस तरीके के झूठे लोगों को हम चुन के भेजते हैं, हम उनकी बातों पर कैसे भरोसा कर लेते हैं। आप ये समझिए, आप ये भी समझिए कि ये कोई कोर्ट के अंदर जो कोई मामला दर्ज होता है वो ऐसे ही दर्ज नहीं हो जाता है। पुलिस कोई मामला अगर दर्ज करती है तो ऐसे ही दर्ज नहीं कर लेती, उसके पीछे बहुत सारे तथ्य होते हैं। तो आज जब अरविंद केजरीवाल को और संजय सिंह को अपनी जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ रहा है, इसका मतलब यह है कि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में जो झूठ फैलाया था देश के अंदर, अब वो इनके गले का मरा हुआ सांप इनके गले में पड़ा हुआ है जो इनके गले को घोंट कर रहे।
इनका दम घुट रहा है, ये भाग कर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। जी हाँ, हम आपको इसकी बैकग्राउंड में बता देते हैं। 2016 में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और संजय सिंह ने ये आरोप लगाए थे कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जो है अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो आठवीं पास हैं, चौथी फेल हैं, इतने आरोप लगाए पब्लिक के अंदर, इतना झूठ बोला कि लास्ट में इन्होंने इन्हें इनके खिलाफ जो इनके जो नरेंद्र मोदी के जो समर्थक थे उन्हें ये काफी बुरा लगने लगा था, खास तौर पे गुजरात को। जब इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने बाकायदा इनके खिलाफ ये जांच कराई थी। ये जांच किस तरीके से की गई थी यूनिवर्सिटी के अंदर, के यूनिवर्सिटी ने नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए जितने भी कागजात थे सब कागजातों को एक जगह पर मंगाया और उनके लिए एक जांच कमेटी का गठन किया। उस जांच कमेटी ने जो पाया उसमें जो सामने आया उसमें था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1967 में गुजरात बोर्ड से हाई स्कूल पास किया था। इसके बाकायदा प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इसके बाद सर्टिफिकेट है, इनकी मार्कशीट है, सारी चीजें यूनिवर्सिटी के अंदर जमा है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में जमा करने पड़ते हैं। इसके बाद 1983 में नरेंद्र मोदी ने 1978 में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से पास आउट किया। उन्होंने आर्ट में बीए किया और उन्होंने जब ये पास आउट किया यूनिवर्सिटी से, वहां से गुजरात से आके इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और 1978 में इन्होंने पास आउट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये भी डॉक्यूमेंट्स सारे गुजरात यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। इसके बाद जो सोर्स बताते पूरे जो डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन है, ये सारा वेबसाइट पे अवेलेबल है पूरा मसौदा। 1983 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया। अब जब वो एमए करने गए तो वहां पर एमए के लिए सारे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जमा कराए थे, उनके प्रोविजनल सर्टिफिकेट, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में उनकी दसवीं की मार्कशीट, दसवीं का सर्टिफिकेट, इसके बाद उनके हाई स्कूल के, इसके बाद उनके दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स थे, तो वो सारे एक जांच कमेटी ने ये पूरी जांच की, एक एक फॉर्म को चेक किया, एडमिशन फॉर्म को चेक किया, उनके फीस जो परफॉर्मा था उसको चेक किया। इसके बाद उन्होंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो अपनी एमए के लिए दिए थे वो सारों की वेरिफिकेशन की गई, उनकी चेकिंग की गई, थ्रू आउट चेकिंग हुई और गुजरात यूनिवर्सिटी ने पाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल थे और गुजरात यूनिवर्सिटी में वो सब अवेलेबल है। उनका पूरा थ्रू आउट पूरा रिकॉर्ड चेक किया गया। इसके बाद भी ये जो केजरीवाल एंड कंपनी है ये बाज नहीं आई। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी के पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री के यहाँ पर अवेलेबल हैं और ऑफिशियली हैं और वो सारे ऑनलाइन है, वेबसाइट पर मौजूद। उन्होंने डाल दिया पूरी जांच। इसके बाद भी आज तक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ये आज भी हल्ला मचाते हैं, अभी भी प्रधानमंत्री राजा अनपढ़ राजा अनपढ़ राजा ऐसे करके करते हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने लास्ट में इन पर केस कर दिया, इन पर केस किया झूठ फैलाने, यूनिवर्सिटी के खिलाफ झूठ फैलाने का। आज इस केस में ये सब पहले वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक केस दायर किया गया था। कोर्ट ने इनको बार बार बुलाया, ये वहां पर गए नहीं क्योंकि इनको पता था कोर्ट उठा के इनको बंद कर देगी। इसके बाद ये हल्ला मचता रहा, कोर्ट ने इनको सजा भी दे दी। फिर ये वहां से सेशन कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट में भी इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी अब इनको जमानत देने से, इनके खिलाफ नरमी बरतने से इनकार कर दिया है। तो लास्ट में ये सभी लोग भाग कर अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल। अब इनकी जो सुनवाई है इस मामले की
वो जो सीजे आई हैं चंद्रचूड़ सिंह, उनकी अगुवाई में अब ये बेंच इनकी सुनवाई करेगी। और इन्हें अभी तक बहुत ज्यादा ये गुमान है कि सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ राहत बरत देगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये किसी प्रधानमंत्री की एक रेपुटेशन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको एक बहुत ही छोटा सा नेता, या यूं कहे कि एक झूठा इंसान, उस जो उनकी जो रेपुटेशन है उसको तार तार कर रहा है। तो ये इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए। हालांकि देखा जाए तो ये पूरे जो मामला है, इनके अपने यहाँ अनपढ़ों की भरमार है। जो पंजाब के सीएम भगवंत मान है, उनके बारे में भी बताया जाता है वो बहुत कम पढ़े लिखे हैं। सत्येंद्र जैन भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, मतलब कम पढ़े लिखे से मतलब ये बीए बीए तक भी नहीं पहुंच पाए, ग्रेजुएशन भी नहीं है ये। इसके बाद जो आपने देखा होगा कि जितेंद्र सिंह तोमर थे, एक मंत्री थे, इनके कानून मंत्री बना दिए गए थे, वो फर्जी डिग्री मामले में जेल भी रह के आए। वो अभी तक उन पे शायद केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये तो बाद की बात है, लेकिन वो जेल रहे, उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया था। और फिर इनके बहुत सारे नेता अनपढ़ों की श्रेणी में आते हैं, बहुत सारे एमएलए भी ऐसे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की डिग्री पूछने से बाज नहीं आते हैं। लेकिन अब ये बार बार इनका झूठ बोलना अब इनको महंगा पड़ने वाला है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनके इनके मामले में नरमी नहीं बरती, तो ये 100% पनिश्ड होंगे सुप्रीम कोर्ट से। ये एक बड़ा मामला होगा कि कोई मुख्यमंत्री झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया और उसको पनिशमेंट होगी। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।